हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी लोगों का? कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग. थोड़ा सा पता नहीं क्यों कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा था. काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था, ये ऑन ही नहीं हो पा रहा था. एनीवेज, हाय एवरीवन. अब सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? हाय नीलाक्षु, हाय हिमांशु, हाय शुभम, हाय लावा कुमार, हाय टू एवरीवन. सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ टेक्निकल इशू, मेरे एंड पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिर. हाँ, अगर आप लोग को देख आप लोग मुझे देख पा रहे हैं देन फाइन. ओके देन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, चलिए आ जाइए, हम लोग आ जाएँ, स्टार्ट कर लें. सो हम लोग फोकस के प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं अपने आज यूजल जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी एंड दूरदर्शन के ऊपर, ठीक है? एंड आप लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को फिर से मैं याद दिलवा दूँ कि मेरी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है पॉलिटी की, वो शुरू हो चुकी है. कॉम्प्रिहेंसिव क्लास पॉलिटी को, वो 17 अगस्त से शुरू हो चुका है, ठीक है? जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया इट्स फाइन, वो क्लास को इनरोल कर लीजिएगा. जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आप को लगता है कि मुझे बिल्कुल पीटी का मेंस के तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? और 2 से 2.5 महीने में बिल्कुल कंप्लीटली एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी अथॉरिटी को डेवलप कर लीजिए. सो यू कैन यूज दिस कोड, Pawan10 का कोड आप यूज करें एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंडियन पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स. एंड दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, पवन सर UPSC एडुकेटर. एंड दिस इज माई AP Kumar 1980. दिस इज माई इंस्टाग्राम, आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं. यू शुड फॉलो दिस टू, ठीक है? चलिए आ जाइए. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं मैं कि ये यहाँ पे सारी क्लासेस हमारी लाइव्स होती हैं, इंटरेक्टिव रहती हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस होते हैं एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हमेशा 3 क्लास के बाद होता है. एंड दिस इज माई कोड. इस कोड का यूज करके आप जो है सो अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इससे आपको मिलेगा क्या? कंप्लीट गाइडेंस, रेगुलर टारगेट्स, आंसर्स राइटिंग एंड फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन एंड मेंटोरशिप. दिस इज माई फोन नंबर, यू कैन कॉल मी. चलिए आज हम लोग बात करना शुरू करते हैं. देखिए, एक मिनट में जरा कलर चेंज कर लूँ पेन का. आई बिलीव दिस इज गो. ओके, सो देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन टू बी लॉन्च इन नेक्स्ट 15 डेज. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है, साहब ने कहा है, ये जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, ठीक है? अब ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इमेजेस हैं, प्रकाश जावड़ेकर साहब की इमेज है ये हमारे पास डॉल्फिन है, जो गंगा डॉल्फिन के नाम से हम लोग भी इसको जानते हैं, ठीक है? कई जगह इसको सोस भी बोलते हैं. सो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हमारे यहाँ प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही जो उनके मंत्रालय है, जो पर्यावरण मंत्रालय है, वो क्या करेगा, लॉन्च करेगा एक हॉलिस्टिक पिक्चर प्रोजेक्ट जो कि डॉल्फिन के लिए इन अनदर 15 डेज फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन इन द रिवर्स एंड इन द ओशंस ऑफ द कंट्री. क्योंकि ये जो रिवर जो डॉल्फिन है ना, हमारे यहाँ 2 जगहों पे मिलती है, एक तो गंगा में और दूसरा थोड़ा बहुत ब्रह्मपुत्रा में. इसके अलावा ये जो डॉल्फिन है ये हमें अपने जो सी एरियाज हैं वहाँ भी मिलते हैं. तो उन्होंने ये कहा है कि इसकी कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, सो हम क्या करेंगे, हॉलिस्टिक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं डॉल्फिन को नेक्स्ट 15 डेज के अंदर. सो PM ने इस बात के लिए अनाउंसमेंट किया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर के, और एक और प्रोजेक्ट था साथ ही साथ, वो था प्रोजेक्ट लॉयन को लेकर के. हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टायर एग्जिस्टिंग है, 1973 से हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लायन नाम का कोई भी प्रोजेक्ट था नहीं. इसलिए इन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन इस बात का अनाउंस किया था कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को और प्रोजेक्ट लायन को शुरू किया जाएगा. प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन को क्या किया जाएगा, जो है सो लॉन्च किया जाएगा, जल्द ही किया जाएगा. हिंदी में भी है ये, मैं आपके पास PDF भेज दूंगा. प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ द लायंस एंड डॉल्फिन्स फॉर द 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया. देखिए, दरअसल क्या है
कि जो लायन है यानी कि जो शेर है, एशियाटिक लायन, इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे अभी, आगे मिलेगा भी ये, एशियाटिक लायन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड दूसरा गंगा डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं, डॉल्फिन के बारे में। ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। तो इन दोनों के जो है सो बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए भी जो है सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इन दोनों प्रोग्राम को लॉन्च, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली है। ऑफिशियल डेटा को अगर हम लोग माने तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है ना, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट लायन को अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि ये विल इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन लायन इन द लैंडस्केप, यानी कि हमारे कंट्री में एशियाटिक लायन का क्या है प्रेडोमिनेंस मिलता है, या वही स्पीसीज है जो मिलती है, इसके रख रखाव, इसके संरक्षण के लिए जो है सो केंद्र सरकार क्या करेगी, ये काम करेगी, ठीक है ना। सो इनिशिएटिव लेगी। एशियाटिक लायन हैव बीन कन्फाइंड टू गिर नेशनल पार्क, और ये जो एशियाटिक लायन है ना हमारा, वो कहाँ है, गिर नेशनल पार्क में दिखता है, जो कि गुजरात में आता है, ठीक है ना, सराउंडिंग गिर गुजरात में, सौराष्ट्र में। द लायन पॉपुलेशन इन द कंट्री हैज इंक्रीज टू 600, मोर देन 600 हो चुका है ये, जो अभी वर्तमान में 674 है। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो लायन है इसका टोटल क्या है, अभी इसका जो सेंसस है, जो लायन सेंसस करें या इनकी जनगणना करें, टोटल काउंट क्या है, यानी कि जो टोटल काउंट है अभी कितना है, तो ये एस्टिमेटेड है 647, यानी कि इट्स ओवर 600, दैट इज कॉल्ड 647, ठीक है। एग्जैक्टली ये कितना है, 647 है, 647 हमारे पास एशियाटिक लाइन्स आज की तारीख में हमारे कंट्री में हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बताया जाए, हैज बीन ऑल्सो कैटेगराइज एज इनडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, यानी कि IUCN के रेड लिस्ट में डॉल्फिन को भी शामिल किया गया है। गैंगेटिक जो गंगा में जो आपके डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, जिसको रेड लिस्ट किया गया है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल एक्वाटिक स्पीसीज इन 2010, जो ये डॉल्फिन है इसको भारत में नेशनल एक्वाटिक स्पीसीज का दर्जा मिला है 2010 में, इस बात को भी याद रखेंगे। इज अ स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन, ठीक है, प्राइमरली फाउंड इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया एंड बांग्लादेश नेपाल, ठीक है। सो ये तीन जगहों पे भी देखने को मिलता है, जो गैंगेटिक आपके पास डॉल्फिन्स हैं, भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में ये दोनों आपको मिलता है, ठीक है। चलिए इस 674, ठीक है, शुभांगी राजपूत, 674, दिस वन इज राइट, ठीक है। चलिए आ जाइए, चले फिर आगे हम लोग आगे बात करें। एट प्रेजेंट देखते हैं, अगर हमारे पास देखने को मिलेगा क्या कि एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 3700 गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स हैं इन इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि भारत में जितने भी जो रिवर सिस्टम है, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, इन सबों में मिलाकर के टोटल जो अभी डॉल्फिन की संख्या है वो लगभग 3700 के आसपास है। सो आपके पास लायन कितना हो गया, दिस इज 674, ठीक है ना, और जो डॉल्फिन हो गया वो डॉल्फिन कितना हो गया, ये है 370, ठीक है। ये दोनों फिगर को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इंडियन रिवर सिस्टम में, ठीक है। चलिए आ जाए नेक्स्ट, आज हम लोग बात करें कि अभी एक दुखद न्यूज़ ये भी है कि लेजेंडरी जो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं पंडित जसराज, उनका देहांत हो गया है, ठीक है, वोकलिस्ट पंडित जसराज। अब इनके बारे में सारे डिटेल्स को हम लोग जान लें, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो पंडित जसराज हैं वो उनका न्यू जर्सी US में उनका देहांत हुआ है, न्यू जर्सी US में। पंडित जसराज जो हैं वो मेवाती घराना से बिलोंग करते थे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये किस घराना से बिलोंग करते थे, तो मेवाती घराना से ये बिलोंग करते थे, और इसी घराना से, जो मेवाती घराना से ना, इसका एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ख्याल। तो ये मेवाती घराना था इनका, और जो एक्सपोनेंट हैं वो किसके हैं, वो ख्याल के हैं, ठीक है ना, ख्याल गायकी के। सो पंडित जसराज बिलोंग टू मेवाती घराना, आई स्कूल ऑफ म्यूजिक नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस ऑफ ख्यालस। He sang khayals with some flexibility, adding elements of lighter styles and including the thumris. ठीक है ना, इसके अलावा वो ठुमरी का भी क्या करते हैं, गायन करते हैं, ठीक है। सो ख्याल होगा, he sang khayals with some flexibility, adding elements of lighter styles, including the thumri. ठीक है, चलिए आ जाइए। पंडित जसराज के बारे में थोड़ा सा और समझें कि पंडित जसराज has also lent vocals to Oscar winning movie Life of Pi. ठीक है ना, Life of Pi के लिए भी इन्होंने क्या किया, अपना जो है सो वोकल दिया हुआ है। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 1975, इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है 1975 में, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है।
ही हैज गिवन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1987। तो ये डेटा भी याद रखेंगे, ये तीनों से पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण, इन तीनों से इनको ये अवार्ड दिया गया है, अवार्डेड पद्मश्री, पद्मभूषण एंड पद्म विभूषण। और 1987 में इन्हें जो संगीत नाटक अकादमी है वो भी इनका अवार्ड भी इनको दिया गया है। ठीक है, ठुमरे इट्स अ काइंड ऑफ गायकी, ठीक है ना, समझ पाए शुभम से ना। चलिए अभी आ जाइए, हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट लॉन्चेस ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, गवर्नमेंट लॉन्चेस ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसके ऊपर में एक ई पोर्टल शुरू किया गया जो जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए है। ठीक है ना, सो दिस पोर्टल इज ई पोर्टल जो अभी लॉन्च किया गया, दैट इज ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए आ जाइए। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अभी हैं अर्जुन मुंडा साहब, उन्होंने क्या किया है, आज 18 तारीख को इनॉग्रेटेड द ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नेम स्वास्थ्य। तो आपको ये याद रखना है, ये जो स्वास्थ्य है ये किसके लिए है, ये ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए, ये ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए आपके पास ई पोर्टल है, दैट इज कॉल्ड ई पोर्टल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब ऐसे जो जितने भी अभी स्कीम्स और प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो स्वास्थ्य, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए है ये ई पोर्टल, इसको शुरू किया गया है। सो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा टुडे लॉन्च्ड इनॉग्रेटेड ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नेम स्वास्थ्य। द पोर्टल प्रोवाइड्स ऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सो ये पोर्टल क्या करेगा, जितने भी उनके खाद्य और मतलब स्वास्थ्य और जो पोषण संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारी है ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, चाहे ओडिशा को, कहीं के भी हो, कहीं के भी ट्राइबल अगर हैं तो उनके बारे में जितने भी डेटाज होंगे ना, इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध होगा, ऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड। ठीक है ना, प्रोवाइड्स ऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सो दैट इज अ गुड थिंग, और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। स्वास्थ्य, व्हाट इज स्वास्थ्य, तो आपको ये याद रखना होगा। अच्छा पारुल, एक्चुअली ये स्टार्ट नहीं हो रहा था पूर्वल, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था, व्हाट्सएप से थोड़ा सा प्रॉब्लम चलाने में हो रहा था इसको। ठीक है पारुल पूर्वल, ठीक है अब समझ में आ गया, बहुत देर के बाद आपने भी पूछा अभी। चले फिर आगे, अभी पढ़ लें, पहले थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, ये बात को थोड़ा समझ लिया कि आई वॉज वेटिंग राइट हियर, काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था, बट ये कुछ रीज़न है जो स्कैन करके मुझे की स्ट्रीम लेकर के आना पड़ता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वो स्कैन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तभी जाकर ये यूट्यूब पे खुल पाता है मेरे साथ। ठीक है पारुल, ठीक है, और अभी पूछने का मतलब नहीं है, क्लास के बाद पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, आपने भी 15-20 सेकंड ले लिया, चले आगे। सो पोर्टल प्रोवाइड्स ऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्वास्थ्य, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब अजी हम लोग बात करें, स्वास्थ्य विल ऑल्सो क्यूरेट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ एविडेंस, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये क्या करें, 3E का कंसेप्ट है, ये जान लीजिए कि जो भी इनके प्रमाण होंगे, एक्सपर्टाइज होगा और एक्सपीरियंसेस, इन सभी को यहाँ पर शेयर किया जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, राइट। चलिए आ जाइए, informed about the initiative of the ministry in partnership with the Facebook। अब ये जो पोर्टल शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिर से कि ये किसके साथ पार्टनरशिप में है, तो ये फेसबुक, और फेसबुक का एक अपना एक प्रोग्राम था, दैट इज कॉल्ड गोल प्रोग्राम। गोल का मतलब था गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। तो ये जो मिनिस्ट्री है, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जो शुरू किया है, स्वास्थ्य इनिशिएटिव को, सो ये जो स्वास्थ्य इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये फेसबुक जो है ये करेगा, ये दोनों मिलके जो है ये गोल प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम, मिस्टर मुंडा सेड थ्रू द गोल प्रोग्राम द मिनिस्ट्री एम्स टू मेंटर 5,000 ट्राइबल यूथ्स, ठीक है ना। इस गोल प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो कि फेसबुक का है, इसके अंदर अर्जुन मुंडा ने ये कहा है उन्होंने कि लगभग 5,000 से ज़्यादा ट्राइबल जो यूथ्स हैं, जो युवा हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको क्या किया जाएगा, उनको मेंटोर किया जाएगा, ठीक है ना, उनको इनेबल बनाया जाएगा, उनको सक्षम किया जाएगा टू बिकम विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर्स, ताकि वो क्या हो, डिजिटल यंग लीडर्स के रूप में गांव में क्या हो सके, अपनी कम्युनिटी के लिए
वो वहां पर हो सके। इसका मतलब क्या है, एक तरह के वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे। सो विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर्स के रूप में उनको क्या क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। वाइस प्रेसिडेंट टू रिलीज रिजल्ट्स ऑफ आर्या 2020 टुमारो। ठीक है, टुमारो नहीं बल्कि टुडे होगा, दिस इज कॉल्ड टुडे, आज। ठीक है, सो वाइस प्रेसिडेंट टू रिलीज रिजल्ट्स ऑफ आर्या 2020 टुडे, आज करेंगे ये। जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे एम वेंकैया नायडू साहब, ये रिजल्ट रिलीज करने वाले रिजल्ट्स ऑफ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, दैट इज कॉल्ड आर्या, आर्या ए आर आई आई ए, दैट इज कॉल्ड अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स अवार्ड 2020। ठीक है, वो आज करने वाले हैं, दैट इज ऑन टुडे। ठीक है ना, ये दिस इज कॉल्ड टुडे, आज करेंगे ये। आर्या इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये जो इनिशिएटिव है ये एचआरडी मिनिस्ट्री का है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। अब ये आर्या के अंदर होता क्या है, सो इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री, और इसके अंदर है क्या ये जान लेते हैं। ये इट इज टू सिस्टमैटिकली रैंक ऑल मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ऑन इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग्स स्टूडेंट एंड फैकल्टीज। ठीक है, सो ये जो आपके ये छात्रों संकाय के बीच में नवाचार, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, उद्यमिता, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप के विकास से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक करने के लिए किया गया। ठीक है ना, यानी कि जो कि इन्वॉल्व है इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जितने भी हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको रैंकिंग करने के लिए इसको लाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड, जो 2010 से 20 का जो डिकेड है इसको प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया हुआ है डिकेड ऑफ इनोवेशन। ठीक है ना, ये याद रखना है कि इट इज कॉल्ड डिकेड ऑफ इनोवेशन, जो 2010 से लेकर के 2020 है इसको बोलते हैं डिकेड ऑफ इनोवेशन। ठीक है, अनलीश द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ एवरी इंडियन, ताकि जितने भी भारतीय हैं उन सभी की जो क्रिएटिव पोटेंशियल्स हैं उसको क्या अनलीज किया जा सके। ठीक है, सो 2010 से 20 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया है, और ये जब भारत के प्रधानमंत्री ने हर भारतीयों की रचनात्मक क्षमता को उजागर करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया है। ठीक है, चले फिर। इंडिया हैज बीन इंप्रूविंग ऑन ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन रैंकिंग। अब यो है जो भारत है ना इनोवेशन रैंकिंग में, इसकी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव करी है। ठीक है ना, 5 साल पहले इसका जो रैंक था वो 86 था, लेकिन इस साल इन 2020 में ये रैंक जो है इंडिया का 2020 में वो कितना है, दैट इज कॉल्ड 57th रैंक। ठीक है, 57th रैंक है, ये याद रखना है कि इनोवेशन रैंकिंग में जो भारत का अभी रैंक है दैट इज कॉल्ड 57th रैंक। ठीक है, 57th रैंक है। ठीक है, चलिए आ जाइए कि दुनिया का विश्व का टॉलेस्ट पियर ब्रिज हमारे यहाँ बनाया जा रहा है मणिपुर में, और वो भी इंडियन रेलवेज के द्वारा। ठीक है ना, इंडियन रेलवेज के द्वारा। सो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज ये इंडियन रेलवे डेवलप कर रहा है। कहाँ पे? वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज इन मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक है, द ब्रिज इज बींग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर, ये रिवर क्या है, लजाई नियर नोनी, इन एन इंजीनियरिंग मार्वल बिकॉज अ टॉलेस्ट पियर विल हाइट कि 141 मीटर का होगा। ये जो आपका होगा ये कितने मीटर का होगा, 141 मीटर का, 141 मीटर्स का होगा। इट विल सरपास द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ, जो अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा जो आपके पास जो ब्रिज है अभी, इट विल सरपास द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ 139 मीटर्स ऑफ माला रीजे का वायाडक्ट मॉन्टेनिग्रो इन यूरोप में है। मॉन्टेनिग्रो आपके यूरोप में जो है, ये माला रीजे का वायाडक्ट जो 139 मीटर्स का, ये इससे भी 2 मीटर ऊंचा होगा, दैट इज कॉल्ड 141 मीटर का, जो कि अब टॉलेस्ट पियर हाइट हो जाएगा ये मणिपुर में। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ये ऊंचा जो है आपका जो पियर ब्रिज बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है, वो मणिपुर इंडिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं अंजलि, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो ये आपने देख लिया। सो यह यूरोप में अभी जो है वर्तमान में 139 मीटर का रिजे का माला रिजे का जो है मॉन्टेनिग्रो में है, मौजूद रिकॉर्ड को पार कर जाएगा नोनी के पास इजई नदी पर मणिपुर में, ये याद रखना है मणिपुर, दिस इज द इंपॉर्टेंट मणिपुर। ठीक है, किस स्टेट में बनाया जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड मणिपुर, मणिपुर में इसको बनाया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट आ जाइए। द मणिपुर ब्रिज इज लोकेटेड एट द हिली ट्रेन ऑफ माराचिंग विलेज इन नोनी डिस्ट्रिक्ट अबाउट 65 किलोमीटर्स ऑफ वेस्ट ऑफ इम्फाल। इट विल बी कंप्लीटेड बाई मार्च 2020। तो ये जो जो ब्रिज बनाया जा रहा है ये मणिपुर में, ठीक है ये 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा।
The bridge is a part of Jiribam Tupul Imphal New BZ Line Project. ठीक है ना, Jiribam BZ Line का मतलब है ब्रॉड गेज, यानी कि जो रेलवे लाइन होता है उसके तीन ट्रैक होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ये ब्रॉड गेज लाइन का प्रोजेक्ट है, ये Jiribam से Tupul Imphal New BZ Line Project का हिस्सा है ये। तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी 703 मीटर का होगा। द पियर्स ऑफ द ब्रिज आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हाइड्रोलिक ऑगर्स। द टॉल पियर्स नीडेड स्पेसिफिकली डिजाइन स्लिप फॉर्म टेक्निक टू इंश्योर एफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो ये जो है आपके पास जो ब्रॉड गेज लाइन का प्रोजेक्ट है मणिपुर में, Jiribam Tupul Imphal New BZ, उसका ये प्रोजेक्ट, उसका ये हिस्सा है। ठीक है, चलिए। A bridge pier is a type of a structure that extends to be the ground below or into the water. It is used to support bridge superstructure. ठीक है ना, bridge के superstructure को support करने के लिए bridge pier का निर्माण किया जाता है and transfer the loads of the foundation. ताकि इसमें जो जो load होगा ना उसको क्या किया जाए, उसको transfer कर दिया जाएगा उसके pillars के ऊपर में, ताकि वो एक साथ सारा का सारा एक जगह पर नहीं पड़ेगा। The bridge piers can be constructed to be substantially attractive and strong in order to withstand both vertical and horizontal loads. ठीक है, एक प्रकार के साथ जो नीचे जमीन पर या पानी में विस्तृत होता है, इसका उपयोग ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर का समर्थन करने और लोड को नींव में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो आपके जो पिलर्स होंगे इसके फाउंडेशन पे जो लोड्स जाएंगे ना, यानी कि जो लोड्स होगा इसके ऊपर में, इसको ट्रांसफर किया जाएगा इधर की तरफ, ताकि इसके ऊपर में जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कोई प्रेशर ना आ सके। अब जी एक और भी न्यूज़ आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। ये न्यूज़ क्या है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। आज सुगम आप, ये मॉडर्न हिस्ट्री तो चल रहा है ना आप लोग की क्लासेस, ठीक है, आप लोगों की क्लास तो चल रही है ना, हिस्ट्री की क्लास तो चल ही रही है इस पे यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन के बारे में हम लोग बात करें, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमेटी, एक कमेटी उन्होंने बनाया टू रिकंसिडर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। अभी आपके पास मालूम है कि महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है विवाह की वो कितनी साल है, वो 18 साल है। ठीक है ना, 18 साल मिनिमम एज है। और जो मेल के लिए है, हाँ यस नम्रता, ये डेली सेशन होता है, डेली सेशन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं कि ये, और ये जो मैं सिलेक्शंस कर रहा हूँ क्वेश्चंस का ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, स्पेशल क्लासेस के बारे में बोल रहे हैं, ओके ओके ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसको चिंता ना करें, उसको मैं कर दूंगा अभी। ठीक है, जो कुछ चीजें हैं वो मुझे MCQ में करना था शायद, मुझे ख्याल से शायद वो, ठीक है ओके चलिए। सो पीएम मोदी ने यह कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी का गठन किया है कि वो इस बात का देखेगा कि जो वुमेन के जो मैरिज के एज हैं, ठीक है ना, उसको फिर से उसको आगे फर्दर बढ़ाने की बात की जा रही है, रिकंसिडर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, यानी कि जो उम्र है अभी 18 साल की उसके बारे में अभी रिकंसिडरेशन किया जाएगा और उम्र को बढ़ाने की बात हो रही है। सो करंटली द लॉ प्रिस्क्राइब्स, अभी जो वर्तमान में जो कानून हमारे यहाँ है उसमें 21 साल दिया गया मेल का और 18 साल दिया गया किसका, फीमेल का, respectively. Personal laws of various religion that deal with marriage have their own standards, often reflecting customs. ठीक है ना, अभी देखेंगे कि हमारे यहाँ कई प्रकार के personal laws भी हैं, ठीक है ना। Personal law में अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम personal law भी है हमारे यहाँ। इसके अंतर्गत क्या है कि उनके अपने norms हैं शादी की उम्र को तय करने के। So personal laws of various religion that deal with marriage have their own standards, often reflecting customs, जो कि परंपराओं को reflect करता है। थैंक यू विकास। चले, सो ये क्या है आपके पास कि ये जो आपके पास है ये पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो लॉ बनाया गया है वो ये लॉ कहता है कि मिनिमम एज जो है लड़कियों की वो कितनी, 18 साल की शादी की है और 21 साल लड़कों की शादी की है। ठीक है, हिंदी में भी है ये, मैं PDF डाल दूंगा आप लोगों को। फॉर मैरिज फॉर हिंदूज अगर हम लोग बात करें,
तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, ठीक है ना, उसके सेक्शन 5(3) यानी कि सेक्शन 5 क्लॉज 3 के अंतर्गत ये कहा गया है कि 18 साल लड़कियों की उम्र होनी चाहिए, ब्राइड्स की उम्र होनी चाहिए शादी के वक्त, और लड़कों की यानी कि जो ग्रूम की उम्र है वो होनी चाहिए कितनी, 21 साल होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम में अगर हम लोग बात करें तो मैरिज ऑफ अ माइनर हु हैज अटेंड प्यूबर्टी इज कंसीडर्ड वैलिड। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस्लाम में, जो मैंने अभी कहा था कि इस बात को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड्स जितने भी होते हैं ना उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सो ये पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस रिलीजन दैट डील विद मैरिज हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कि 18 साल और 21 साल का कंसेप्ट चलेगा, इसका मतलब है कि जो कोई भी लड़की अगर माइनर है, यानी कि लेस देन, माइनर का मतलब लेस देन 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। बट इफ सी अटेन्स प्यूबर्टी, ठीक है ना, तो इस्लाम के अंदर जो पर्सनल, जो इस्लामिक का पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अंदर ये कहा गया है कि वो मैरिजेबल है, ठीक है ना। इन इस्लाम द मैरिज ऑफ अ माइनर माइनर हु हैज अटेंड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड, उसको ये माना गया है कि वो क्या है, शादी उसके वैलिड है, दैट इज नॉट इनवैलिड, इवन इफ सी इज लेस देन, इवन इफ सी इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। तो मैरिज का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करता है, डील करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज हम लोग बात करें, हिंदी में भी देख लिया आपने, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स 18 और 21 साल की उम्र को। एक हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, इसके ईयर्स को याद रखेंगे। ऑन प्रोहिबिशन ऑफ जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, ये भी क्या करता है, जो उम्र रखा गया है जो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, ये 18 साल और 21 साल रखा गया है, ठीक है ना, एज द मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज फॉर वुमेन एंड मेन मेन रेस्पेक्टिवली। मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एज ऑफ मेजोरिटी विच इज जेंडर न्यूट्रल एंड इंडिविजुअल अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी एट 18 ईयर्स एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1975। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेट अप अ टास्क टू टास्क फोर्स टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 से 21 साल एज अ मेजर टू लोअर MMR दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल्स। देखिए अभी क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि जो महिला और जो जो बाल कल्याण विभाग है, ठीक है ना, उसने क्या किया, एक कमिटी टास्क फोर्स गठन किया है ताकि वो ये देख सके कि जो मैरिजेबल एज है लड़कियों का उसको 18 से बढ़ा करके 21 किया जा सके, 18 से बढ़ाकर क्या किया जाए, 21 किया जा सके, ठीक है ना। 18 से 21 करने के पीछे का लॉजिक क्या है कि टू एज अ मेजर टू लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो MMR है उसको क्या क्या कम किया जा सके, जो मातृत्व दर है ना, मातृत्व मृत्यु दर, उसको मातृत्व मृत्यु दर, ये मातृत्व मृत्यु दर को कम करने की बात की जा रही है, ठीक है ना, कम करने की बात की जाए, एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल, और जो पोषण स्तर है पोषण स्तर को बढ़ाने की बात की जा रही है, पोषण स्तर को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। सो ये जो बढ़ाने के पीछे का कंसेप्ट है वो उसके पीछे का तर्क यही है कि जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके और महिलाओं में जो पोषण का असर है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। और इसीलिए ये एक सिफारिश है कि 18 से 21 साल किया जाना चाहिए उम्र लड़कियों की शादी की, अभी तक ये 18 साल है, अब इसको बढ़ा के 21 साल किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो काम किया जा रहा है ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अजय, अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट किया गया था, जिसमें जो विवाह की उम्र देखी गई थी 16 साल और 18 साल रखी गई थी। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, पूरा याद रखिएगा नाम को, इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल और 18 साल, ये आप जानते हैं बहुत पॉपुलर है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर ये यूपी पीसीएस में तो कई बार पूछा गया ये। 16 से 18 साल रखा गया, 16 एंड 18 ईयर्स एज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज रेस्पेक्टिवली। द लॉ पॉपुलरली नोन एज शारदा एक्ट, आप लोगों ने शारदा एक्ट का नाम सुना होगा, ये जो शारदा एक्ट है यही जो है आपका शारदा एक्ट, ये आपका कब का है, 1929 का है, जो कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 16 एंड 18 ईयर्स करता है किसी लड़के और लड़कियों की उम्र की, ठीक है ना। हाँ, सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग, ठीक है ना, ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, हमारी सोशल सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, और जो हेल्थ वाइज अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ के वाइज भी ये काफ़ी अच्छा होगा अगर ये इस इनिशिएटिव को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो।
सो शारदा एक्ट के बारे में सुना, 1929 का चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिसमें कि उम्र रखी गई है 16 साल और 18 साल लड़कियों की और लड़कों की रेस्पेक्टिवली। आफ्टर इट्स स्पॉन्सर हरविलास शारदा, ठीक है ना, और इसको शुरू करने वाले कौन थे, हरविलास शारदा जी के नाम पे, जो जज थे एंड अ मेंबर ऑफ आर्य समाजी, और ये आर्य समाजी भी थे और प्रोफेशन से ही वॉज अ जज। इट वॉज इवेंचुअली अमेंडेड इन 1978। इसका मतलब ये है कि 1929 में जो शारदा एक्ट लाया गया था, इससे लेकर के 1978 तक हमारे यहाँ जो मैरिजेबल एज था वो 16 से लेकर के 18 साल, 16 साल लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए और मेल के लिए क्या था, 18 साल रखा गया था। लेकिन क्या कर दिया गया, इसको फर्दर बढ़ा दिया गया 1978 में, जिसको कर दिया गया 18 साल, इसको 18 साल कर दिया, यहाँ 21 साल। अब ये 2020 में ये जो गठन किया गया, इन दोनों को बढ़ा करके 21 साल करने की बात की गई है, ठीक है। सो ये बात कही गई, इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। 1929 में जो शारदा मैरिज शारदा एक्ट था, जिसको हम लोग चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बोलते हैं, इसमें जो विवाह का उम्र रखा गया था 16 और 18 रखा गया था, 16 लड़कियों के लिए, 18 लड़कों के लिए, ठीक है। चलिए, और इनका पूरा नाम क्या है, हरविलास शारदा। 1978 में एज को बढ़ाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, जब इनकी उम्र कर दी गई थी कितनी, 18 और 21 साल कर दी गई थी, 16 और 18 को बढ़ा करके 18 और 21 कर दिया गया था, ठीक है। आ जाइए, अब आ जाइए डिजोरे डे, पुडुचेरी का डिजोरे डे, यूनियन टेरिटरी जो है हमारे यहाँ पुडुचेरी का, उसने अभी हाल में 59th एनिवर्सरी ऑफ द डिजोरे डे सेलिब्रेट किया है, कितना, 16 अगस्त को, डिजोरे डे के रूप में, डिजोरे डे के रूप में 16 अगस्त को, दैट इज इन 16th अगस्त, 16 अगस्त को, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डिजोरे दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। अब ये देखते हैं क्या, दरअसल क्या है कि जो पुडुचेरी था ना, ये हमारे पास रेफरेंडम के द्वारा भारत के पास है। पहले आपको ये मालूम होगा कि पुडुचेरी वॉज अ फ्रेंच सेटलमेंट, ठीक है, फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करता था, फ्रांसीसी ये बस्ती हुआ करती थी पुडुचेरी। अब इट बिकम इंडिपेंडेंट बाय वर्चू ऑफ अ रेफरेंडम, ठीक है ना, ऑन अक्टूबर 18, 1954 को, 18th October 1954 को। बट द ट्रीटी ऑफ सेसेशन साइंड बिटवीन द फ्रेंच एंड इंडियन गवर्नमेंट वॉज रेटिफाइड बाय द फ्रेंच पार्लियामेंट ओनली ऑन अगस्त 16, 1962। अब आपको मालूम है कि ये फ्रेंच सेटलमेंट था, मेरी बात समझिए, अब फ्रेंच सेटलमेंट है तो अब ये जो फ्रांसीसी है पुडुचेरी, करिकाल महे यनम आपका पुडुचेरी, जो चार क्षेत्र से बन के बना हुआ पुडुचेरी आपका, अब ये फ्रेंच सेटलमेंट है तो ये इंडिया के पास अब आना है, अब इंडिया के टेरिटरीज में है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद यूरोपियंस ऑलमोस्ट जा चुके हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट जा चुके हैं, बस लास्ट में जाएंगे कौन, गोवा से पुर्तगीज 1961 में। तो फ्रेंच भी क्या करें, फ्रेंच का जो सेटलमेंट था अब उनका भी आने का कोई मतलब था नहीं, तो यहाँ पर क्या किया गया, पार्लियामेंट ये जो आपकी पौंडीचेरी है यहाँ पर रेफरेंडम किया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, और इस जनमत संग्रह के आधार पर पुडुचेरी को भारत में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जनमत संग्रह हुआ, लोगों ने कहा कि हाँ हम भारत में जाएंगे, तब उसके बाद फ्रांस की संसद ने इस बात के ऊपर अनुमति दी, और फ्रांस की संसद, ये है फ्रांस की संसद, भारत की संसद नहीं, फ्रांस की संसद ने जो अनुमति दी ये था 16 अगस्त 1962, ठीक है, 1962 को, तब से लेकर के आज तक इसको हम बोलते हैं डिजोरे डे के रूप में, यानी कि लीगल मर्जर जो हुआ हमारा यूनियन टेरिटरी का, यूनियन भारत के साथ, वो होता है कब, 1962 के अंतर्गत, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि कानूनी तौर पर में जो पुडुचेरी है ये वस्तुतः भारत में शामिल होता है कब, 16 अगस्त 1962 ईस्वी को, ठीक है। हालांकि ये जो डीलिंग थी ये पहले ही 18 अक्टूबर 1954 को हो चुकी थी रेफरेंडम के द्वारा कि अब पुडुचेरी भारत का हिस्सा होगा, लेकिन कानूनी तौर पे जब फ्रांस की पार्लियामेंट ने इस बात को अंतिम मुहर दे दी, इसका अनुमोदन कर दिया, तब कानूनी रूप से, कानूनी ये शब्द को ध्यान रखें, कानूनी रूप से पुडुचेरी भारत का जो है सो अंग बना, ठीक है ना, इसका भारत में विलय हो गया, ठीक है। सो 54 में क्या होता है यह याद रखेंगे, ये 54 में रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा, इस जनमत संग्रह के आधार पर यह तय किया गया कि जो पुडुचेरी होगा वो भारत में मिलेगा, लेकिन इसके लिए चूंकि इसके ऊपर फ्रेंच, चूंकि फ्रेंच सेटलमेंट था, फ्रांसीसियों का कब्जा था यहाँ पर में, नियंत्रण था, तो ये जरूरी है कि फ्रांस की सरकार क्या करेगी, इसको लिए परमिट करेगी। अब रही बात कि फ्रांस की सरकार क्यों करेगी भाई, ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा हिस्ट्री में कि जितने भी यूरोपियन कंपनीज आए थे, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच और डेनिस हो, चाहे वो फ्रेंच हो, इन सबों में जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो एकमात्र गवर्नमेंट सपोर्टेड थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, इट वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी, ये याद रखिएगा। आपने अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पढ़ा भी होगा, जब भी आपने पढ़ा होगा कभी भी, तो आपने ये बात पढ़ा होगा कि जितने भी आपके पास यूरोपियंस आए, भारत में आए थे, जो कंपनी खोल करके यहाँ बैठे थे, उन सबों में फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो एक सरकारी कंपनी, दैट वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी।
तो जैसे ही इस बात के लिए रेफरेंडम हुआ कि भारत में भाई विलय होना चाहिए आपका अक्टूबर 18 1954 ईस्वी को, वैसे ही फिर क्या किया गया, इसमें यह बात कही गई कि भाई फ्रांस की सरकार भी, संसद भी क्या करेगी, इसका अनुमोदन करेगी। और यही वजह था कि फ्रांस की जो संसद है उसका अनुमोदन करती है 16 अगस्त 1962 ईस्वी को। ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये याद रखिएगा। इट इज द वनली कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, स्टेट कंपनी थी, ठीक है ना। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ये याद रखना है। तो ये 16 अगस्त 1962 ईस्वी को आपके पास लीगली पांडिचेरी आ गया, और ऐसे देखें तो 1954 में रेफरेंडम के द्वारा भारत में ये शामिल था, ठीक है। लेकिन लीगल जो विलय होगा वो होगा कब, 1962 ईस्वी में। इतनी बातें क्लियर है सर। कानूनी तौर पर नीलाक्षी, यही तो मैं, कानूनी तौर पर मैं भारत में मिलना, ठीक है ना, डिजरे यानी कि वास्तव में, रियली बाय लॉ, ठीक है नीलाक्षी। चले आप आगे, ठीक है, यानी कानूनी तौर पर वो भारत में शामिल हो गया। नेक्स्ट आ जाइए सर। द रेफरेंडम वॉज टेकन ऑन अक्टूबर 18 1954 वेदर टू रिमेन इन फ्रेंच रेजिम और टू मर्ज विद द इंडियन यूनियन, इस बात के लिए जनमत हुआ था। As many 178 representatives participated in the referendum, in which 170 voted in favor of a merger with India and 8 against it. यानी कि जो इसके प्रतिनिधि थे उसमें से 178 लोग शामिल हुए थे कि पुडुचेरी का भविष्य क्या हो, फ्रांस के रेजिम में रहे, फ्रांस के नेतृत्व में रहे, फ्रांस के नियंत्रण में रहे, या भारत के साथ विलय हो जाए। तो इसमें 178 लोगों ने वोट किया था जो उनके प्रतिनिधि थे, उनमें से 170 लोगों ने यह कहा था, जो वोट आई थी कि कहा गया कि पुडुचेरी का विलय भारत में हो, 8 ने केवल डिसेंट किया था, केवल इसका विरोध किया था। द रेफरेंडम वॉज टेकन एट किजूर नियर विलनूर हियर टू कॉमेमोरेट द ओकेजन, अ मेमोरियल वॉज कंस्ट्रक्टेड एज किजूर, ठीक है ना। और ये जो जनमत संग्रह हुआ था वो किजूर में हुआ था, पुडुचेरी में, किजूर नियर विलनूर हियर, ठीक है। सो ये जनमत किजूर में हुआ, विलनूर इस अवसर पर एक समारोह का निर्माण किजूर में भी किया गया था, ठीक है। चलिए इतनी बात सब लोग समझ पा रहे हैं, डन। नेक्स्ट आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम का स्पेशल अवार्ड दिया गया है अभी, तमिलनाडु के सीएम का स्पेशल अवार्ड गया है, ठीक है, किसको दिया गया है, तो WHO के यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उनको दिया गया है, सौम्या स्वामीनाथन को, चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री का स्पेशल अवार्ड दिया गया है, सौम्या स्वामीनाथन को, जो कि WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट हैं, एंड वॉज कन्फर्ड विद द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हर एडवाइजरी रोल इन कम्बैटिंग द COVID-19 पैंडेमिक इन द स्टेट। उन्होंने क्या किया, अपनी एक जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाई है, उन्होंने सलाहकारी भूमिका निभाई है कि किस तरीके से जो तमिलनाडु सरकार है वो कोरोना के इफेक्ट को कम करे और इससे बाहर निकल सके। और इसी की सराहना करते हुए जो तमिलनाडु सेम से स्पेशल अवार्ड दिया गया है वो दिया गया WHO के चीफ साइंटिस्ट को, जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। इतनी बातें सभी लोग समझ गए, ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, WHO चीफ साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO सौम्या स्वामीनाथन वॉज ऑन सैटरडे कन्फर्ड विद द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हर एडवाइजरी रोल इन कॉम्बैटिंग द COVID-19 पैंडेमिक इन द स्टेट, ठीक है। ओके ओके सर, ग्रेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राज्य में COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में उनकी सलाहकारी भूमिका के लिए। स्वामीनाथन रिसीव द अवार्ड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर के पलनी स्वामी ऑन 34th इंडिपेंडेंस डे एट फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई, सेंट फोर्ट जॉर्ज जिसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा, सेंट फोर्ट जॉर्ज भी कई बार आपके एग्जामिनेशन पूछा गया है, सेंट जॉर्ज जो आपका फोर्ट है कहाँ है, तो ये चेन्नई में है, सेंट डेविड पूछा जाता है, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वामीनाथन हैज 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल केयर एंड रिसर्च एंड हैज वर्कड थ्रू आउट हर कैरियर टू ट्रांसलेट हर रिसर्च इंटू इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स, और ये 30 साल से ज़्यादा समय तक इन्होंने क्लिनिकल केयर के लिए WHO के साथ ही जुड़ी रही हैं, क्लिनिकल केयर एंड रिसर्च के लिए, एंड वर्क थ्रू आउट हर कैरियर ट्रांसलेट हर रिसर्च इंटू इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स। जो भी इनका रिसर्च रहा हुआ है ना, जो भी इनका क्लिनिकल केयर का और रिसर्च को लेकर के इनको इन्होंने क्या किया है, इनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करिए ताकि इसका जो डायरेक्ट बियरिंग हो वो मानव समाज में मिले और इसका प्रभाव देखने को मिले,
अब आज यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट कॉल्स इमरजेंसी समिट ऑन बेलारूस इलेक्शंस। यस अनुराधा, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है चार्ल्स मिशेल हैज कन्वीन्ड एन इमरजेंसी समिट ऑफ यूरोपियन यूनियन लीडर्स टू डिस्कस द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन बेलारूस। इन अ ट्वीट माइकल टूडे सेड दैट द मीटिंग वुड टेक प्लेस ऑन वेडनेसडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सीधा याद रखेंगे। दरअसल क्या होता है कि वहां पर में जो बेलारूस है वहां पर में वायलेंस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इज इम्पैक्ट इन एक्सेप्टेबल एंड कैनॉट बी अलाउड। दरअसल वहां की जो सरकार है ना ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां की स्टैब्लिश हो रखी है, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं जो चाहते नहीं है कि यहां पर भाई ये सरकार वापस आए, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो इलेक्शन हुआ है वहां पर में वायलेंस काफी जम करके हुआ जो जिनको सप्रेस करने की कोशिश की गई, यानी कि वायलेंस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स इन अनएक्सेप्टेबल एंड कैनॉट बी अलाउड ही सेड। 27 जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना, सेड ऑन फ्राइडे दैट द इलेक्शंस वेयर नाइदर फ्री नॉर फेयर, दैट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ द पोल एज अनाउंस बाय द बेलारूस इलेक्टोरल कमीशन। जो बेलारूस में भी चुनाव हुआ है, जो उसके बाद मैं कर रहा था कि वहाँ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो जो यूरोपियन यूनियन के जो विदेश मंत्री हैं उन सभी लोगों ने इस बात का एलिगेशन लगाया, ये एक आरोप लगाया है कि जो बेलारूस में अभी चुनाव संपन्न हुआ है वो मुक्त नहीं रहा हुआ है, निष्पक्ष नहीं हुआ है, जैसा कि अभी बेलारूस इलेक्टोरल कमीशन ने इसकी घोषणा की गई की है। सेवरल थाउजेंड फैक्ट्री वर्कर्स टुक टू द स्ट्रीट्स ऑफ मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में, ऑन मंडे डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ ऑथोरिटेरियन बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है ना, तो ये जो प्रेसिडेंट है वहां के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये काफी लंबे समय से एक ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट के रूप में वहां बने हुए हैं। तो जो भी वर्कर समूह है वहां का, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, उन सभी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसके लिए वो मिन्स्क के सड़कों पे उतर गए। इट वाज द नाइन्थ स्ट्रेट डे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिजल्ट्स ऑफ एन इलेक्शन दैट एक्सटेंडेड हिज 26 इयर्स रूल, काफी लंबे समय से है, 26 सालों से के हैं। ठीक है ना, इसके विरोध में ये प्रतिक्रिया आई है। अब आज एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज का, ये जान लीजिए आप लोग, ये आप लोगों को लिखना है टेलीग्राम ग्रुप पे, इसका आंसर आप लोगों को पोस्ट करना है। सभी लोग ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। डू यू एग्री रिसर्च एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मस्ट बी रेलिवेंट टू सोसाइटी एंड फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मैनकाइंड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू हेल्थ इश्यूज डिस्कस। ठीक है, ये सवाल समझ पा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सुने ना। सो डू यू एग्री रिसर्च एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मस्ट बी रेलिवेंट to society and focus on finding solutions to various problems faced by mankind from climate change to health issues discuss। ठीक है, ठीक है, हिंदी में देखिए। क्या आप सहमत हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध समाज के लिए प्रासंगिक होने चाहिए, शोध यानी रिसर्च प्रासंगिक होनी चाहिए, और जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य के मुद्दों पर मानव जाति के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, चर्चा करें। सवाल समझ में आ रहा है? Is it clear to you all? सभी लोगों के लिए क्लियर है ये? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आज का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसको पोस्ट करना है। ठीक है, 10 PM पे, ठीक है, 10 PM पे मैं ओपन कर दूंगा, आप इसमें पोस्ट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है सभी लोग, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दो दिन में डिस्कशन करूंगा नहीं, अभी आप लोग इसके लिए क्या करें, इसको पोस्ट कर दीजिए, मैं इसको देख करके फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, 250 वर्ड्स में कर लीजिए, 250 वर्ड्स में जाएगा। ठीक है, सो डू यू एग्री रिसर्च एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मस्ट बी रेलिवेंट टू सोसाइटी एंड फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मैनकाइंड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू हेल्थ इश्यूज डिस्कस। ठीक है, जो लोग भी करंट पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसको आप आंसर करेंगे। मिलते हैं शाम के 4 बजे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठीक है, बट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं आप लोगों को, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग। ठीक है, हाउ यू कैन गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो इसके लिए आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है ना, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, देन इसे इंस्टॉल करना होगा, देन आपको प्लस कोर्सेज के लिए जाना होगा, देन आपके पास गोल सेलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी सीएससी। ठीक है ना, एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं पूरा का पूरा,
17th अगस्त को, कल से शुरू हुआ है, एक क्लास हुई है और तीन बैचेस शुरू हुए हैं, दो हिंदी में और एक इंग्लिश में, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है, पूरा का पूरा बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे, ये हो रहा है 24 अगस्त को, ठीक है। सो नेक्स्ट बैच इज कमिंग ऑन 24th अगस्त, 17 अगस्त भी अभी देर नहीं हुआ है, सो दिन बिताना नहीं है। जो लोग चाहते हैं वो क्या करें, आप इसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, सो पावन10 का कोड यूज करना है, पावन10 का कोड यूज करेंगे तो जो आपके साथ 2 साल का कोर्स है 64,000 का, ये 57,600 का हो जाएगा, ठीक है। एंड आइकॉनिक कोर्स भी है, ये आपका 1 साल का और ये 2 साल का है। आइकॉनिक 1 साल का 64,000 रुपये का, 2 साल 99,000 का है, तो ये आपका 57,600 का हो जाएगा इफ़ यू अप्लाई द कोड पावन10। इसको आप अप्लाई करेंगे और ये जो 99,000 है, ये पावन10 अप्लाई करने का 89,000 के अराउंड का हो जाएगा, ठीक है। यू कैन एंजॉय दिस। सो मिलते हैं शाम के 4 बजे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंजॉय, लेट्स क्रैक इट।